नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इस वर्ष की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। और इस बार होली क्यों बेहद ही खास बेहद ही सुंदर है, इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होलिका दहन है और 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और दोस्तों जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक है, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। इस वर्ष शुभ रहेगा। 2024 में तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। दोस्तों धन आकर्षित करने के लिए हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय करें। चाहे दोस्तों आप जो है धन खींचने वाले मंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताई जाएगी तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और दिल खोलकर आप सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय हनुमान जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय भी हम बताएंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहे। होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान नृत्य गायन यह सब किया जाता है। होली का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में यह हमें यह महसूस कराता है क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं। दोस्तों भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लाती हैं। ये सब खुशियों का रंग भरने का काम करता है, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। आमतौर पर जो होली का त्योहार है इससे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। ये लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों होली के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें नहीं करना चाहिए इस वीडियो में बताऊंगा। और आज इस वीडियो में होली की राख के जबरदस्त 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों अभी तक प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों भारत के कई प्रदेशों में होली कास्ट के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं कई प्रदेशों में, और शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके नीचे मदमस्त होकर के लोग गाते हैं बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। दोस्तों होली का त्योहार जितना रंग बिरंगा होता है हमारे जीवन में भी उतने ही रंग भर सकता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकता है, बुरे वक्त को अच्छे में बदल सकता है और आपके रूठे भाग्य को भी जगा सकता है। बस आपको पता होने चाहिए होली के ये चमत्कारिक टोटके जो आपकी हर समस्या को दूर कर सके। आज हम आपको होली के रात के वह 10 चमत्कारी टोटके बताने जा रहे हैं जिससे आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। दोस्तों होली के ये छोटे छोटे उपाय बहुत ही कारगर उपाय हैं। अगर आप मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और आपकी आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं है तो होली की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देकर कोई सफेद मिष्ठान अर्पण करें। दोस्तों ऐसा करने आर्थिक और पारिवारिक समस्या का निदान होता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। अगर दोस्तों आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का दोष होने पर आपके परिवार के सभी सदस्य होलिका दहन में सभी घर वालों को शामिल होना चाहिए और 3 परिक्रमा लेते हुए पीली सरसों, अलसी और गेहूं की बालियां अग्नि में डालनी चाहिए। इससे नजर दोष दूर होगा और ग्रह अनुकूल होंगे जिससे घर में शुभता आएगी, घर में कभी वाद विवाद नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं या आपके घर परिवार में कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है तो अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो इस पीड़ा को शांत करने के लिए होली वाले दिन एक पान का पत्ता, एक गुलाब का ताजा फूल और कुछ बताशे लेकर रोगी के ऊपर से 21 बार उतार लें और उतारने के बाद इसे किसी चौराहे पर रख कर आ जाएं। किसी भी बीमारी हो ठीक हो जाएगा, कोई भी रोग हो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों खासकर यह उपाय करते समय भूल कर भी आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें, इस बात का विशेष कर ध्यान रखें तो ही यह उपाय अपना कार्य सिद्ध कर पाएगा। अगर आपके परिवार में कोई भी बीमार हो तो इस होली पर यह उपाय अवश्य करें, आपको 100% लाभ होगा। अगर दोस्तों कोई कोर्ट केस में समस्या आ रही हो तो जलती हुई होलिका की राख लेकर एक लोहे की कील से अपने केस नंबर और शत्रु का नाम एक कागज पर लिख दें और उसे होलिका की अग्नि में दहन कर दें, आपको केस से निजात मिल जाएगी। कैसा भी कोर्ट,
कचहरी का कैसे होगा, आपको हमेशा जीत मिलेगी। यह उपाय बहुत ही कारगर और सिद्ध उपाय है। दोस्तों, कोई भी राजकीय मामलों में आप फंसे हो तो यह उपाय अवश्य करें। अगर दोस्तों रोजगार की समस्या हो तो होली वाली रात को एक नींबू लेकर किसी चौराहे पर जाएं और उसे काटकर चार टुकड़े कर दें। उसके बाद इन चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें और घर वापस जाएं। परंतु दोस्तों ध्यान रहे, यह उपाय होली की रात को करना है, बस आते वक्त पीछे मुड़कर न देखें। इस बात का भी विशेष कर ध्यान रखें, इस उपाय को करने से आपके मनचाहा रोजगार प्राप्त होगा, आपके बंद व्यापार चलने लगेगा, धन आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। अगर दोस्तों आपके विवाह में समस्या आ रही हो तो इसे दूर करने के लिए होली वाले दिन एक पान के पत्ते पर एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें और श्री शिव दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें। विवाह में आने वाली अड़चन समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय बहुत ही कारगर और सिद्ध उपाय हैं। आप इन उपायों को होली पर अवश्य करें। आपको प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से जो उपाय बताने जा रहे हैं और जिस प्रकार से बताए जा रहे हैं उसी प्रकार करें, तभी इन उपायों का आपके संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अगर दोस्तों आप आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय श्री सूक्तम का पाठ करते हुए शक्कर की आहुति दें, अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए तीन गोमती चक्र लेकर अपनी प्रार्थना को बोलते हुए अग्नि में डालकर प्रणाम करें, आपकी आर्थिक संकट से छुटकारा मिल जाएगा। यह उपाय होली का दहन के समय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी लिख दें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। अगर दोस्तों आप नियमित होलिका की भस्म का टीका करते हैं तो आपको नजर दोष, ग्रह बाधा और प्रेत बाधा से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। आपके ऊपर कभी कोई तांत्रिक विद्या नहीं कर सकता है, आपके ऊपर कभी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, होलिका दहन के बाद बची हुई राख को अपने घर लाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखने से बरकत आती है और अनावश्यक खर्चे रुकते हैं, घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे और यह कोई साधारण राख नहीं है। ऐसा माना जाता है होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। अगर आप चाहे तो होली की राख को अपने घर में रखते हैं तो यह बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए इस समय आप लोगों को गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। प्राचीन ज्ञान एक YouTube चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है तो होली दहन के समय देसी घी, दो लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है। इस उपाय से रोगी स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विद्वेषण उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है। होली दहन के समय में देसी घी में दो अंक, एक बताशा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है यह दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। दोस्तों, तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र विकार, टोना, जादू, भूत, प्रेत, ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हमने आप लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है वह बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे।
और हाँ, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है, जिसमें लिखना है, भोजपत्र में लिखना है, और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल उस पर छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं, तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है, उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है, और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस रात को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली की राख को लाल कपड़े में बांध करके, होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बांध के अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है यह धन की जावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्च को रोकता है, और यह धन की आवक को बढ़ाता है, अर्थात यह सभी ओर से धन को आकर्षित करता है, धन को खींचने का काम करता है, ऐसा भी माना जाता है। नित्य होली की थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य प्रकार की जो व्याधि होती है, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं, और होली की राख कर नित्य तिलक लगाने से अगर कार्य सभा में जाना हो, या फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए। होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगा करके जाइए, उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी को माने, लोग आपके अनुरूप चले, आपके वशीभूत हो जाएं, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाए, लोग आपकी बात मानेंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि होली की राख के जो जो गुप्त और भी इसके अनेक प्रयोग बताया हो, वह प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।